फिल्म की शुरुआत में हमें एक बैकग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि हजारों साल पहले आकाश से कुछ विजिटर्स धरती पर आए थे जिन्हें ओसायरिस कहा जाता था, जिन्होंने इंसानों को कई सारी चीजें दी जैसे एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर और कल्चर्स, पर इन सब के बदले उन्हें धरती चाहिए थी ताकि वो यहाँ राज कर सके। लेकिन एक फेरो और रोशनी के देवता दोनों ओसायरिस के विरुद्ध थे। ओसायरिस दरअसल तब आते थे जब आकाश से सारे तारे एक अलाइन में पिरामिड के ऊपर होंगे, जिससे एक रोशनी आकाश से पिरामिड में आएगी जिससे ओसायरिस धरती पर आ सकते थे। लेकिन फेरो ने उस रोशनी को छिपा दिया और ओसायरिस की पूजा करने वालों को पिरामिड के अंदर बंदी बनाकर उन्हें सुला दिया। लेकिन कुछ लोग बच गए जो ओसायरिस के आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं में से एक रानी एमेनपुर भी थी। अब हम एमेनपुर को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म देती है और किसी अनजान इंसान से कहती है कि ये ओसायरिस का आखिरी वारिस है, इसलिए इसे दूर ले जाओ, और ये कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद राजा जो ओसायरिस के विरुद्ध थे वो एमेनपुर को एक ताबूत में डालकर उसे पिरामिड के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद अब फिर से बैकग्राउंड जानकारी से हमें पता चलता है कि पिरामिड के अंदर एक दरवाजा है जिसके अंदर सिर्फ ओसायरिस की पीढ़ी ही लोग जा सकते हैं, और उस दरवाजे के अंदर तभी प्रवेश किया जा सकता है जब तारे फिर से सही क्रम में अलाइन होंगे। पर राजा ने वहां लॉक लगा दिया जिसकी चाबी नेम की ऑफ हेवन है, और यदि ओसायरिस वापस आ गए तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, बस ओसायरिस की पूजा करने वाले ही जीवित रहेंगे जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाएगा, और उस पीढ़ी का जो आखिरी इंसान है उसका भी कुछ पता नहीं है। अब अगले सीन में हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो इजिप्ट की खोज करने आए थे। उनमें से एक मैस्टोटन अपने असिस्टेंट से कहता है कि 7 दिन बाद तारे फिर से सही क्रम में अलाइन होंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके की ऑफ हेवन ढूंढना होगा। पर फिर तभी उसे एक फोन आता है जिसे उठाकर वो आगे बढ़ जाता है, और फिर पीछे से एक आदमी आकर गाड़ी पर रखी उसकी छड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। अब वहीं हम एक आदमी पीटर को देखते हैं जिसे वो आदमी मास्टर टोन की स्टिक लाकर देता है। जिसके बाद पीटर एक पुरानी चीजों की दुकान पर आता है जहां वो दुकानदार को पैसे देते हुए कहता है कि मुझे वो चाबी दे दो, जिस पर वो आदमी उसे अपने लॉकर से चाबी निकाल कर देता है। लेकिन पीटर उस आदमी को मास्टर टोन की स्टिक जिसमें बटन दबाने पर कुछ बाहर आता था उससे उस आदमी को मार देता है और चाबी और पैसे लेकर वहां से चले जाता है। अब मास्टर टोन भी वहां आ जाता है जिसे वो आदमी मृत दिखाई देता है, और तभी उसे पीटर फोन करके कहता है कि वो चाबी अब मेरे पास और उस आदमी को भी मैंने ही तुम्हारी ही छड़ी से मारा है जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट है जो मैं पुलिस को दे दूंगा यदि तुमने मुझे अपने मिशन पर साथ नहीं लिया। इसलिए ना चाहते हुए भी मास्टर टोन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो अब वहां से एक लड़की क्लेरा से मिलता है जो दरअसल भविष्य देख सकती है, इसलिए मास्टर टोन उससे सवाल करता है कि क्या मैं इस मिशन को पूरा कर पाऊंगा, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। लेकिन तभी उसे फिर अजीब से विजन्स भी आते हैं जिसमें ओसायरिस को मारने वाला फिर से जाग गए हैं, और मास्टर टोन भी एकदम घायल है जिससे वो एकदम घबरा जाती है, पर वो उसे कुछ बताती नहीं। अब अगले दिन मास्टर टोन एक प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट एडलर से मिलता है जो उसके दोस्त थे। प्रोफेसर मास्टर टोन से कहते हैं कि कल रात आए तूफान के कारण ये पिरामिड अपने आप ही उजागर हो गया है, जिसे देख मास्टर टोन खुश हो जाता है, और अब वो प्रोफेसर से कहता है कि तुम मेरे लिए अंदर जाने का रास्ता ढूंढो, जिस पर वो कहता है कि मैंने काम शुरू कर दिया है। इसके बाद मास्टर टोन अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मेरी बेटी सहरा को लंदन से यहाँ बुलाओ, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को प्रोफेसर पिरामिड में जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि उनकी तबीयत खराब होने लगती है, और तभी वहाँ एडलर आकर उनसे कहता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है इसलिए आपको घर जाना चाहिए, और फिर वो उन्हें उनके घर लेकर आता है जहाँ एडलर उनसे सवाल करता है कि क्या हम इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि पिरामिड के अंदर तारों के अलाइनमेंट के समय ही जाना होगा इसलिए मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब अगले दिन एडलर प्रोफेसर से मिलने उनके घर आता है जहाँ उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, और फिर वो एडलर से कहते हैं कि मैं इस
मिशन में नहीं जा सकता, इसलिए मेरी जगह तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैंने 4 सालों तक सारी चीजें तुम्हें सिखा दी है और मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। जिस पर एडलर उनकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैरा लंदन से आकर मैसेटोन से मिलती है। दरअसल सैरा की माँ की मृत्यु हो गई थी और वो इस बात का पता लगाना चाहती है कि उसकी माँ की मृत्यु आखिर कैसे हुई। अब अगले दिन एडलर सैरा से मिलता है जो उससे प्रोफेसर के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है इस मिशन पर। जिस पर सैरा कहती है कि हमें इस मिशन पर एक्सपर्ट चाहिए जो कि प्रोफेसर ही है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ आता भी होगा, जो सुनकर एडलर एकदम उदास हो जाता है। सैरा मैसेटोन को खबर करती है कि प्रोफेसर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा है, लेकिन मैंने उसे बुरा भला कहकर भेज दिया। जिस पर मैसेटोन कहता है कि उससे माफी मांगो और यहाँ बुलाओ क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। जिस पर सैरा एडलर से फोन करके माफी मांगती है और वापिस आने की विनती करती है, जिस पर वो अंत में मान भी जाता है। आप सभी इस मिशन पर जाने वाले एक साथ मिलते हैं कि तभी वहाँ एक प्राचीन चीजों को पहचानने में एक्सपर्ट रोहित आता है जो दरअसल भारत से है। इसके बाद अब सभी पिरामिड के पास आ जाते हैं जहाँ एक लोकल आदमी शाहिद और कुछ सोल्जर्स भी थे जो अंदर जाकर रास्ता तलाश करेंगे। इसलिए अब सभी अगले दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि तारों के अलाइनमेंट का दिन कल है, इसलिए वो समय होते ही सभी पिरामिड के गेट के पास आते हैं और फिर एडलर एक चेतावनी पढ़कर सभी को बताता है कि जो भी इस पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश करेगा वो वापस नहीं आएगा, बस जो ओसायरिस के पीढ़ी से होंगे वो ही अंदर जा सकता है। जिस पर मैसेटोन कहता है कि ये अच्छा मजाक है, इसलिए अब सभी बिना कुछ सोचे उस चेतावनी को इग्नोर करके सोल्जर से एक जगह को तुड़वा देता है और फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं। पर उनके अंदर जाने पर उन्हें एक और एंट्रेंस दिखाई देता है जो अंदर से सील था, जिसे देख अब मैसेटोन कहता है कि जिन लोगों ने इसे बनाया है उन्होंने इसे अंदर से सील करके उसके अंदर ही अपनी जान दे दी होगी ताकि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन वो उस सील को भी तोड़कर अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें कई सारे हॉर्नेट्स के छत्ते दिखाई देते हैं। मास्टरटोन अब सोल्जर को उसे तोड़कर रास्ता बनाने को कहता है, जो वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद कई सारे हॉर्नेट्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस पर सभी वहां से दूर हट जाते हैं, लेकिन जो छत्तों को तोड़ रहा था उस पर बहुत ज्यादा हमला होने के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है और टीम का एक मेंबर एडम फायर गन से सभी को जलाकर उनके लिए रास्ता बनाता है, जिसकी मदद से अब सभी आगे बढ़ पाते हैं। अब आगे जाने पर मैसेटोन सभी को सावधान रहने को कहता है क्योंकि अब आगे हर जगह जाल बिछे होंगे, इसलिए संभाल के कदम रखना। पर तभी पीटर को वहाँ एक सोने का छोटा स्टैचू दिखाई देता है और जैसे ही वो स्टैचू को उसकी जगह से उठाता है वैसे ही जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, जिसके नीचे दबकर एक सोल्जर की मृत्यु हो जाती है। पर फिर से उस स्टैचू को उसकी जगह पर रखने पर वो रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। अब वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें टाइल्स दिखाई देते हैं जिसके बेसिस पर रोहित आगे जाने का रास्ता ढूंढता है और अपनी कैलकुलेशन से जानने की कोशिश करता है कि किस टाइल पर पैर नहीं रखना है, लेकिन वो गलत टाइल पर पैर रख देता है, पर भाग्य से वो बच जाता है। जिस पर अब एडलर कहता है कि जब ये बना था तब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए इसे 1 से कैलकुलेट करो, जिसकी मदद से रोहित सही सीक्वेंस ढूंढ लेता है और अब वो आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं। अब आगे आने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, जिसे एडलर और रोहित समझने की कोशिश करते हैं। एडलर अब कहता है कि इसके नीचे कोई रास्ता है और उस पत्थर को हटाते ही उन्हें अंदर एक एरिया सच में दिखाई देता है, जिसके अंदर आने पर वो जगह उन्हें काफी खूबसूरत लगती है और वहीं रानी अमनपुर का ताबूत भी रखा था। पर बेवकूफ मैस्टरटन ताबूत को खोलकर अमनपुर की ममीफाइड शव को उठाकर नीचे फेंक देता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। वो बचाव में कहते हैं कि मुझे अमनपुर की जरूरत नहीं और ना ही हम यहाँ सोना चांदी लेने हैं, मुझे सिर्फ ओसायरिस का टेंपल चाहिए जो पिरामिड के भूल भुलैया के अंदर कहीं है, जिसके बाद वो पीटर से की ऑफ हेवन मांगता है और फिर उस चाबी को वहां लगाता है जहां ताबूत रखा था, जिससे वहां एक रास्ता निकल आता है और अब सभी उस रास्ते से अंदर जाने लगते हैं। पर सहरा को अंदर जाने से डर लग रहा था,
लेकिन एडलर उसे समझाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मास्टर टोन और पीटर को सबसे आखिर में रहने को कहते हैं ताकि वो फिर से गलती ना कर दे, और इस बात से गुस्सा होकर पीटर आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ते ही उसका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है जिससे वहाँ का रास्ता सील हो जाता है। और अब सभी तीन ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। अब रोहित, शाहिद और एक सोल्जर एक जगह से नीचे उतर ही रहे होते हैं कि कोई अनजान चीज सोल्जर को ढकल देती है जिससे वो सीधे नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडलर भी एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो सारा और क्लैरा उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ आगे बढ़ने पर उन्हें उसी सोल्जर का शव दिखाई देता है। अब देखते देखते बाकी भी वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ सारे ओसायरस को मानने वालों को रखा गया था, जो मम्मीफाइड होकर खड़े थे। क्लेरा उनसे शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि जब ओसायरस की पीढ़ी का खून टेंपल पर लगेगा और वो समय तारों के अलाइनमेंट का होगा, तो ये सभी जाग जाएंगे और दुनिया को बर्बाद कर देंगे, जो सुनकर सभी एकदम से डर जाते हैं। और फिर तभी एक मम्मी सारा का गला दबाने लगता है, और जैसे ही एडलर उसे बचाने जाता है तो वो उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है, जिनकी अब चीख सुनकर सभी वहां जाते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं। इसलिए अब वो मम्मी सारा को छोड़कर उनके ही पीछे लग जाता है, और उस पर गोली की कोई असर भी नहीं होता। इसलिए अंत में वो शाहिद को उठाकर सिर के बल पटक देता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। एडलर अब सारा को बाहर जाने का रास्ता ढूंढने को कहता है, तब तक वो बाकियों को भी वहां लेकर आएगा, और भाग्य से सारा दरवाजा ढूंढ भी लेती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार खुल सकता था, जिसके बाद वो अपने आप बंद होने लगता है। इसलिए सभी अब उसी ओर भागने लगते हैं, पर मम्मी रोहित और पीटर दोनों को ही पकड़ लेता है, पर भाग्य से वो रोहित को इस तरह से दूर फेंकता है कि वो दरवाजे के पास ही आकर गिरता है, जिसके बाद अब सभी वहां से बाहर आने लगते हैं। इसलिए अब वो पीटर को भी छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पीटर उससे पहले ही दरवाजे के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा सील हो जाता है। अब आगे बढ़ने पर उन्हें ओसायरस के टेंपल का दरवाजा दिखाई देता है, इसलिए मास्टर मैटोन एल्डर को दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर जब वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताता है तो उसे पता चलता है कि इस दरवाजे के अंदर सबसे पहले ओसायरस की पीढ़ी का ही एक इंसान जा सकता है, वरना ये पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी। एडलर अब वहाँ किसी बटन को दबाकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद मास्टर टोन सारा से एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि तुम्हारी माँ ओसायरस की पीढ़ी में से एक थी, और तुम उसकी बेटी, यानी कि तुम भी ओसायरस की पीढ़ी में से हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम पहले अंदर जाओ। जो जानने के बाद सारा बिना सोचे समझे आगे बढ़ती है, और फिर एक जोरदार रोशनी के साथ दरवाजा अपने आप खुल जाता है, पर तभी उन्हीं की तरफ एक मम्मी बढ़ने लगता है। इसलिए अब सभी दरवाजे की दूसरी ओर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं, और अब उन्हें ओसायरस का टेंपल वहां दिखाई देता है, जिसे देख रोहित कहता है कि ये किसी तरह का एनर्जी जनरेटर जैसा लग रहा है। पर तभी एडम सारा को पकड़ लेता है और एक जगह बैठा कर उसका हाथ बांध देता है, जिसके बाद मास्टर टोन अब रिवील करता है कि मैं सारा का खून इस जगह पर गिराऊंगा, क्योंकि अब तारे अपने अलाइनमेंट में आ चुके हैं, और ऐसा करते ही ओसायरस धरती पर आ जाएगा, और फिर सारे बंदी जाकर दुनिया को खत्म कर देंगे। पर अब जब एडलर सारा को बचाने जाता है तो एडम उस पर गोली चला देता है, लेकिन बीच में रोहित के आ जाने के कारण उसे गोली लग जाती है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। सारा मैसेटोन से सवाल करती है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, जिस पर वो कहता है कि ये रिचुअल सिर्फ ओसायरस की पीढ़ी की लड़की से ही पूरा होगा, मैंने उसे सारी चीजें बताई लेकिन उसने मेरा साथ देने से मना कर दिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। जो सुनकर सारा एकदम हैरान और दुखी हो जाती है कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को मार दिया। मास्टर टोन अब उसका जबरदस्ती खून गिराता है, जिससे सारी मशीन अब चालू हो जाती है, और फिर उसमें से रोशनी निकलकर सारी मम्मीज पर पड़ती है, जिससे अब वो एक एक करके रेजरेक्ट होने लगते हैं। अब मास्टर टोन ओसायरस को प्रकट करने के लिए कुछ प्रार्थना पढ़ने लगता है, यानी कि मास्टर टोन ही चाहता है कि ओसायरस धरती पर आ जाए, और जो उनकी पूजा नहीं करेंगे उन्हें मारकर पूजा करने वालों को भगवान का दर्जा दिया जाएगा, जो मास्टर टोन का यही प्लान है।
पर अब एडलर एडम को गिराकर सैरा को छुड़ा लेता है और सैरा एडलर से गन लेकर मास्टर टोन को वहीं शूट कर देती है, जो यही सीन है जो क्लेरा ने अपने विजन में देखा था। अब मास्टर टोन के मरते ही पूरा रिचुअल रुक जाता है और अब पूरा का पूरा पिरामिड भी गिरने लगता है, इसलिए सभी अब वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं और बहुत मशक्कत के बाद वो सफलता से बाहर निकल भी आते हैं। उनके अब बाहर कदम रखते ही प्रोफेसर भी पहुंच जाते हैं, जो क्लेरा से कहते कि वो फिर से आएंगे। और फिर तभी एक हॉर्नेट भी नजर आता है और फिर इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।